गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन मॉड्यूल 7 आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप. एक वेल है जिसका डायमीटर ये वाला 3 मीटर है, रेडियस होगा बेटा 1.5 और इसकी जो डेप्थ है वो 14 मीटर है. तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेल 1.5 एंड हाइट इज 14 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन स्प्रेड आउट ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट. इसी के चारों तरफ 4 मीटर विड्थ में ये जो मिट्टी निकली है इसमें डाल दी है लाइक दिस. ये सर्कुलर रिंग बन गया बेटा, इसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं. अब इसको आप तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. जो एम्बैंकमेंट बना ये वाला, इसकी हाइट आपको बतानी है. तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, जो मिट्टी आपने खोदी है वो वाली, एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट जहां मिट्टी डली है उसके एरिया से डिवाइड कर दीजिए. तो सबसे पहले आप निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, देन एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट, इसके बाद में यहां पे इसको डिवाइड कर देंगे, यू गेट द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. सो सिलिंड्रिकल वेल है, आर वन आपने मान लिया 1.5, एक्स हमारा 14 है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग पाई आर वन स्क्वायर एच, क्योंकि आपका जो वेल है वो सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर बेटा 1.5 स्क्वायर इनटू 14 मीटर क्यूब. इसके बाद जो मिट्टी डली है वो रिंग में डली है तो रिंग का एरिया यू नो वेरी वेल, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, पाई आर टू स्क्वायर में से पाई आर वन स्क्वायर माइनस कर देंगे, क्लियर. इसके बाद पाई कॉमन आ गया, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर. आर टू बेटे यहां पे आर टू कैसे आएगा कि आप ये आर टू है, ये आपका 1.5, ये 4 है तो 4 प्लस 1.5 5.5 हो जाएगा, तो 5.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर. इसमें जो आप आइडेंटिटी लगाएंगे तो स्क्वायर करके माइनस कर दीजिए या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस करेंगे 5.5 प्लस 1.5 7 हो जाएगा और 5.5 माइनस 1.5 4 हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अप्लाई कर दीजिए. इसके बाद हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट जैसे मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग डिवाइड बाय एरिया ऑफ द एम्बैंकमेंट, तो पाई 1.5 इनटू 1.5 यहां से उठा लिया आपने इनटू 14 डिवाइड बाय पाई इनटू 7 इनटू 4, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, 7 2 जा 14, 2 से 2 2 जा 4 और 1.5 इनटू 1.5 2.25 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 1.125 मीटर हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ए कंटेनर शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम. ये आपका सिलेंड्रिकल आइसक्रीम है जिसका डायमीटर कितना है 12, तो रेडियस इसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा और हाइट 15 सेंटीमीटर फुल ऑफ आइसक्रीम. आगे क्या कहता है, द आइसक्रीम इज टू फिल्ड विद कोन ऑफ हाइट 12 एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप. ये जो आपकी आइसक्रीम है ये नीचे से कॉनिकल है ऊपर से हेमिस्फेरिकल है और इसके भी डायमेंशन इसने गिवन है कि आर इसका जो रेड डायमीटर है 6 है तो रेडियस हो जाएगा 3 और हाइट 12 और क्योंकि दोनों का रेडियस सेम होगा इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी कॉनिकल पार्ट का भी तो इनका जो आपका इसका सिलिंड्रिकल आइसक्रीम का आर वन मान लिया आपने रेडियस और इसका आर टू मान लिया आर टू दोनों का आर टू हो जाएगा क्योंकि कॉनिकल और हेमिस्फेरिकल का रेडियस सेम है बेटा और हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है. तो हाउ कैन यू फाइंड फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम. तो इस साइज के कितने कोन्स इस आइसक्रीम में फिल हो जाएंगे बेटा. तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सिर्फ सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल आइसक्रीम, देन वॉल्यूम ऑफ
दिस कोनिकल आइसक्रीम में आपके ऐड हो जाएंगे कोन भी और हेमिस्फीयर भी, और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल आइसक्रीम को वॉल्यूम ऑफ कोनिकल आइसक्रीम से डिवाइड कर देंगे। कोनिकल आइसक्रीम में दो टाइप की आइसक्रीम है, कोनिकल प्लस हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल आइसक्रीम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर है, तो आर जिसमें आर वन आपने माना एच पाई आर वन सिक्स स्क्वायर, हाइट हमारी 15 सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ ए आइसक्रीम, तो एक आइसक्रीम किस टाइप की है, ये कोनिकल है ये हेमिस्फेरिकल है, तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, क्योंकि आपने इसका जो कोनिकल और हेमिस्फेरिकल का रेडियस माना वो r2 माना, प्लस और जो हेमिस्फेरिकल है उसका जो वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ r2, और इसमें 1/3 πr² कॉमन आ गया तो s प्लस 2r लेफ्ट हो गया। इसके बाद आपने 1/3 π की वैल्यू नहीं खोलेंगे क्योंकि पाई इसमें भी गिवन है बेटा, और हमारा r² 3² और हमारा h है 12 और 2 × r² 3, और यहां से 1/3 π 3² 9 और ये आ जाएगा 2 × 3 = 6, 6 + 12 = 18 और 3 से डिवाइड कर दिए 9 को और ये आ जाएगा π × 3 × 18 cm³। और नंबर ऑफ आइसक्रीम आ जाएगा जो कोनिकल आइसक्रीम है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल आइसक्रीम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोनिकल आइसक्रीम, और ये आपका हो जाएगा π × 6 × 15 डिवाइडेड बाय π × 3 × 18 π × 3 × 18, और अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, 3 से 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 × 2 = 6 और ये आपका डिवाइड हो जाएगा 6 से डिवाइड कर दिया आपने, 6 × 3 = 8 और 3 × 5 = 15 और 2 × 5 = 10। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम आए बेटा कोनिकल आइसक्रीम 10 आइसक्रीम इस सिलिंड्रिकल आइसक्रीम से बन जाएगी, फिल हो जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।